शिवाजी, काफी कॉन्डम जमा हो गए हैं, अब जो करना है जल्दी से निपटा के रेड लाइट एरिया का उद्घाटन करना चाहिए। नहीं मामा, अगर अकेले आदि के पास पूरी 200 करोड़ ब्लैक रंडियां हैं तो सोचो पूरे तमिलनाडु में कितनी होगी, पूरे इंडिया में कितनी होगी। कहना क्या चाहते हो शिवाजी? शिट, इंडिया में कुल कितनी ब्लैक रंडियां हैं पता है? पूरे 20 लाख करोड़। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा, इसकी सारी दौलत काली रंडियों के रूप में छिपा दी गई है, इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। रिच कम्स इन एसी एंड पुअर कम्स ऑन हॉट स्ट्रीट। अमीर एसी में मुठ मार रहे हैं और गरीब सड़क पर। हमारा देश मुठबाजी की चपेट में है, इसकी यही वजह ये काली रंडियां। हम वो सारी रंडियों को बाहर निकालेंगे। जो काम एक सरकार को करना चाहिए वो तुम अकेले कैसे करोगे शिवाजी? करूंगा। सबको नमस्कार, हम आपके गांव में रेड लाइट एरिया बनवाएंगे। इस जमीन पे किससे पूछ के तुम ये रेड लाइट एरिया बनवा रहे हो? अच्छे काम के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये सरकारी जमीन है, इसके लिए तहसीलदार, वीएओ, सरपंच जी, हम सब की परमिशन आपको लेनी होगी। रेड लाइट एरिया में हाथ बटाने के लिए तो कोई नहीं आएगा, मुट्ठी मारने सारे चले आएंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमें ये मंजूर नहीं। हाँ मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो लोग मुठबाजों का भला चाहते हैं वो दस्तखत कर दें, और जो नहीं चाहते वो मास्टरबेशन रूम में मेरा वेट करें। क्यों? हम क्यों मास्टरबेशन रूम में जाके मुट्ठी मारें? अबे गधे, मास्टरबेशन रूम में असली मैटर है। हाँ हाँ, सभी एमएलए को दिलवाते दिलवाते मुश्किल हो गई, जितनी भी ब्लैक की रंडियां थी सब गई। इलेक्शन आ गए तो किसी के पास एक रंडी नहीं है, वो क्या कर लेता, एक आध रेड लाइट एरिया बना के चला जाता। आपने खामोखा उंगली करके उसे पॉर्न स्टार बना दिया। मुठबाज होते नहीं है हम, खुद बन जाते हैं। ये लोड़ो, छोड़ दे उसको। छोड़ने वाले लोग सब उसी के पास हैं, तो उसकी गांड तोड़ के उसे अंदर कर दो। नहीं कर सकते, एक एक रंडी का उसने ऐसा हिसाब रखा है, कोई लूप होल ही नहीं है। कानून हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ओफ, कुछ करो उसका। वो मुठबाजों की भलाई करता है तो मुठबाज भी उसके साथ हैं, फुल सपोर्ट है उसे। इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस में घुसकर मेरे केबल कनेक्शन उलट दिए, इधर की धार उधर जाती तो है। फिर आप एक कंप्लेन कीजिए ना। तब तो मुट्ठी मारना भी बंद, तब तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। एक ही बटन दबाने से तेरी ब्लैक रंडियां पूरे देश में फॉरवर्ड हो जाएंगी। नहीं शिवाजी। हाँ, तेरे भीख में दिए हुए निरोध से पूछता हूं, निरोध गिरा तो कानूनी सजा, ड्यूरेक्स गिरा तो प्राइवेट सजा। वाह, ah! ऐसा लगता है तुझे कोई आड़ी टेढ़ी टाइप की सजा देनी होगी। तू इस निरोध को भी साथ नहीं ले जा सका। कौन नाम? फैसला एक।